कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ जागृति विहार की भाजपा नेत्री का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोपी रविंद्र नागर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा की छवि को डेंट पहुंचाने वाले इस मामले का एक अन्य आरोपी भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह अदालत में अंतरिम जमानत पा चुका है। आरोप है कि एक मंत्री के बेहद करीबी रविंद्र नागर भाजपा नेत्री पर मुकदमा वापस लेने का बराबर दबाव बना रहा था। धमकी दिए जाने पर एक और मुकदमा रविंद्र नागर के खिलाफ दर्ज किया गया। दो सेक्स कांड सामने आए हैं। एक अन्य मामले में भाजपा के मंत्री संजीव सिक्का व महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। एक सेक्स कांड का मुख्य आरोपी मेरठ बार एसोसिएशन के निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि संजीव सिक्का व अरविंद मारवाड़ी अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। आज SP देहात कमलेश बहादुर ने यह जानकारी दी। ये थाना भवानपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका वीडियो आपत्तिजनक वीडियो उसके नाम से टैग करके वायरल किया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें दो अभियुक्तों के खिलाफ, एक अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण किए थे और दूसरे अभियुक्त जो है इसमें गिरफ्तारी हेतु शेष थे। महिला के द्वारा एक आज प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा अंकित किया गया था कि उसने जो अभियुक्त हैं रविंद्र नागर, उन्होंने उसको धमकाया है कि मुकदमा वापस ले लो, अदरवाइज तुम्हारे जान से मारने की धमकी दी है। इसकी मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उनको गिरफ्तार किया है, न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।